हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 12 से हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर हमने लिया है डिफरेंशिएशन और एक्सरसाइज 6.1। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे पूरे चैप्टर से हम उनको सॉल्व करके देंगे, उसका पूरा सॉल्यूशन आपको देंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। स्टोन इज ड्रॉप इन क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। At what instant when the radius of the circular wave is 8 cm, how fast is the area increasing? हम आपको वो सारे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करके देंगे जो थोड़े ट्रिकी हैं और जिनमें थोड़ा समझदारी दिखाना है। लेकिन चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, a stone is dropped in a quiet lake and waves moves in a circle at a speed of, ये जो लाइन है कि waves moves in a circle, ये waves move in a circle एक्चुअल में क्या बताया गया है? सर्कल में क्या बढ़ता है कि सर्कल की कह सकते हैं कि उसका एरिया बढ़ जाए। आप एक चीज का थोड़ा ध्यान रखिए, इधर मैं सारा सर्कल बना रहा हूं, अगर मैं आपको देखूंगी सेंटर से क्या चीज बढ़ रही है, सेंटर से क्या चीज बढ़ रही है कि सर्कल बड़ा होता जा रहा है ना। वेव इज एंड द सर्कल वेट मूव्स इन अ सर्कल, एक्चुअल में ये जो मूव्स इन अ सर्कल है ये एक्चुअल में रेडियस है जो कि 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा है। बस यही इस क्वेश्चन का ट्रिक था। तो आपको करना क्या है, लिखना है पहले लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया है कि दैट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ठीक है, तो ये हो गया आपको dx अपॉन dt इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब मुझे कैसे पता कि इट्स dx upon dt? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो स्पीड है सेंटीमीटर पर सेकंड में है, पर सेकंड मतलब टाइम से डिवाइड हो रहा है, और जैसे क्वेश्चन पढ़ने में पता चला कि ये रेट मेजर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो रेट मेजर में जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं सब टाइम से डिवाइड की जाती हैं एट द रेट ऑफ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हमने रेडियस ऑफ द सर्कल को x माना है तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है that dx upon dt is 5 centimeter per second. Now, at what instant the radius of a circular wave is 5 centimeter, area increasing. तो कैसे लिखेंगे? Let area of circle be a. Then what is the formula for finding the area of circle? Is pi r square. अब इसको time के respect में ही differentiate करना है। वो देखिए कैसे? ये हो गया dA upon dt is equal to pi constant है बाहर हो गया, और r square का 2r dr upon dt, मतलब हमको सारी differentiation जो सारी derivative है वो हमें time के respect में निकालना है, ठीक है। तो और dr upon dt, अच्छा उसको हमने radius को x माना हुआ है, तो ठीक है आप इसको x लिखिएगा फिर, ठीक है। तो dr 2x dx upon dt, ठीक है। अब dx upon dt का वैल्यू 5 है तो यहां हम डाल देते हैं, तो ये हो गया आपके पास 2 pi x dx upon dt is 5, तो ये हो गया 5 to the 10 pi x, एरिया निकाल रहे हैं इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन p है, dt है तो पर सेकेंड। लेकिन देखिए क्वेश्चन में एक चीज और दी है, एट व्हाट इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, मतलब फाइनल आंसर में हमें यहां पर रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जैसे कि हमने निकाला dx upon dt is 10 pi x सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो आपको यहां पर रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको मैक्स माना है 8, ये हो गया 10 pi x से का ये, तो फाइनल आंसर इज 80 pi सेंटीमीटर स्क्वायर आया एरिया की वजह से, और टाइम से डिवाइड हो रहा है इसलिए पर सेकेंड। तो ये था हमारा फाइनल आंसर, दैट्स ऑल। हमारे व्यूअर्स को अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप कमेंट शेयर लाइक कर सकते हैं, आप अपना क्वेरी भेज सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी नीचे लिखा हुआ आ रहा है, आप अपना क्वेरी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे लिखा हुआ आ रहा है।